Hey, welcome YouTube. I'm Aniket and you're watching Vet Study. So, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन. तो अभी हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वेटनरी पैथोलॉजी. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन. तो पहले मैं आपको कुछ पेपर्स दिखाऊंगा लास्ट ईयर के, और उसके बाद मैं आपको सिलेबस वाइज बताऊंगा कि क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ये पेपर है पेपर टू, जिसके अंदर यूनिट थर्ड एंड फोर्थ है. सो इसके अंदर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ब्रॉयलर का पूछा गया है एंड रिक्वायरमेंट ऑफ डक पूछा गया है. तो ये दोनों आप लेयर का भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये तीन चीजें आपको याद रखनी है. इसके अलावा फीड एडिटिव फॉर मोनोगैस्ट्रिक एनिमल, फीड एडिटिव एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछा जाता है. फिर इसमें पूछा गया फीडिंग हाई प्रोड्यूसिंग काउज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. इसके अलावा डिस्कस अबाउट द फीडिंग हैबिट एंड फीडिंग स्ट्रेटेजी ऑफ कॉमन वाइल्ड कार्निवोर कैप्ट इन जू. ये मतलब इस एज सच ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा फोल्ड रियरिंग आया है एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द रैबिट, न्यूट्रिय रिक्वायरमेंट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव द न्यूट्रिय रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैलियन, हॉर्सेज में स्टैलियन पूछा गया है. एंड इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड राइट द मैनेजमेंट ऑफ एसिडोसिस इन रूमिनेंट. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन, तो इसलिए न्यूट्रिशन में ये हमारे पूछे जाते हैं. फिर पिक्यूलैरिटी ऑफ फीडिंग ऑफ कैट्स, ये पूछा गया है. इसके अलावा वी हैव द फीडिंग ऑफ स्वाइन इन वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ, यू हैव टू डिफाइन दैट. एंड इसके अलावा हमें एक न्यूमेरिकल यहाँ पर देखने के लिए मिलता है. नेक्स्ट वी हैव शॉर्ट नोट्स ऑन द कोप्रोफेजी ऑब्लिगेट कार्निवोर प्यूट्रिफाइड डाइट, यूरिया फीडिंग इन रूमिनेंट. ये यूरिया फीडिंग इंपॉर्टेंट है, राइट. प्रोबायोटिक एंड बायपास प्रोटीन. इसके अलावा पेपर वन की बात करते हैं, जिसके अंदर हमारा यूनिट वन एंड टू है. तो यहाँ पर पूछा गया पार्शनिंग ऑफ द फूड एनर्जी. तो फूड एनर्जी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा रोल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन फार्म एनिमल. काफी बार मैंने देखा ये क्वेश्चन. ठीक है, फिर डिफरेंस इन फैट एंड वाटर सोल्युबल विटामिन, डिफरेंस इन मैक्रो एंड ट्रेस एलिमेंट, राइट अ नोट ऑन यूज ऑफ डिफरेंट फूड एडिटर्स. ये फीड एडिटर्स पूछे जाते हैं बार बार, ऊपर भी पूछे गए हैं और यहाँ पर भी. ठीक है, गिव एन अकाउंट ऑफ कॉमन एडल्टेंट इन फीड स्टफ, एडल्टेंट के बारे में. और ये कैलोरीमेट्री भी हमारी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस हीट मेजरमेंट बाय कैलोरीमेट्री. ठीक है, डायरेक्ट कैलोरीमेट्री, इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डिस्कस वेरियस मेथड फॉर इंप्रूविंग न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंफीरियर क्वालिटी रफेज, ये भी देख लीजिएगा आप. एंड डिस्कस अबाउट वेरियस फीडिंग स्टैंडर्ड विद रेफरेंस टू रूमिनेंट, फीडिंग स्टैंडर्ड विद रेफरेंस टू रूमिनेंट्स आपको पता होनी चाहिए. बैलेंस राशन की बात करी गई है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री में कॉमन फीड एंड फॉर्डर्स क्या क्या यूज होते हैं उसके बारे में बात करी गई है. इंटर रिलेशनशिप ये देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं. तो कल्टो पैरालिसिस इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारे क्वेश्चन इसमें हमारे नॉर्मल ही है. फिर इसके बाद हमारा आता है सेग्रीगेटेड अर्ली विनिंग यूरिया टॉक्सिसिटी. यूरिया टॉक्सिसिटी एक बार देख लीजिएगा. और पिगलेट एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिगलेट एनीमिया, क्रीप फीडिंग इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आता है हाँ एनपीएन कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट है. एंड फीडिंग फेज ऑफ हाई यील्डिंग डेयरी, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, फीडिंग ऑफ हाई यील्डिंग डेयरी एनिमल्स या फिर काउ, हाई यील्डिंग काउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है. ठीक है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. और स्वाइन का भी काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फिर वही पूछा गया है. तो ये यहाँ पर आपका मैंने कुछ पेपर डिस्कस करे. नाउ वी विल डिस्कस द सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस. तो देखिए आपकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस यूनिट वन जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फीड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं वो है जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ वो इसके अंदर आपका न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट ऑफ, एक बार ये देख लीजिएगा, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट ऑफ प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, रोल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एंड मेटाबॉलिक वाटर, ये इंपॉर्टेंट है. और ये अभी आपने देखा था कि 6 मार्क्स में पूछा भी गया था. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल देख लीजिएगा, विटामिन, कॉमन फीड एंड फॉर्डर एंड देयर क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है, ये देख लीजिएगा अच्छे से. फिर मेजर्स ऑफ फूड एनर्जी के बारे में भी आप देखा था कि क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक. ठीक है, इसके अलावा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री, ये भी क्वेश्चन कई बार मैंने देखा आया हुआ है. ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री. इसके अलावा प्रोटीन इवैल्यूएशन से बहुत कुछ ज्यादा नहीं होता, न्यूट्रिटिव रेशियो, देखिए इनसे भी क्वेश्चन बनने के लिए तो किसी से भी बन सकता है, बट हाँ मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी देखे हैं पेपर के अंदर, है ना.
प्रोसेसिंग ऑफ कंसेंट्रेट एंड रफेज आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका बायोलॉजिकल फॉर इम्प्रूविंग, हाँ ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, वेर इज फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड फॉर इम्प्रूविंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंफीरियर क्वालिटी रफेज, ये क्वेश्चन आया हुआ है 6 मार्क्स में, ये भी देख लीजिएगा। प्रिपरेशन स्टोरेज एंड कंजर्वेशन ऑफ लाइवस्टॉक फीड थ्रू साइलेज, साइलेज एंड हे मेकिंग, ठीक है ये देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइलेज और हे, ठीक है। हार्मफुल नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कॉमन एडल्ट्रेंट ऑफ फीड, एडल्ट्रेंट तो अभी देखा था आपने, आया हुआ है, और फीड एडिटिव्स भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो जो मैंने टॉपिक्स, वैसे तो देखिए जो भी हर एक टॉपिक दे रखा हर किसी से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, बट जो जो मैंने बताए हैं वो आपको अच्छे से देख लेने हैं एक बार। फिर आता है यूनिट टू अप्लाइड रुमिनेंट न्यूट्रिशन, जिसके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ। फैक्टर अफेक्टिंग आप डाइजेस्टिबिलिटी देख सकते हैं, फीडिंग स्टैंडर्ड्स देख सकते हैं आप, बैलेंस राशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। तो इसमें तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यूनिट थ्री अप्लाइड रुमिनेंट न्यूट्रिशन सेकेंड। तो इसके अंदर आप देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ राशन फीडिंग, डेयरी कैटल का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और डेयरी कैटल का ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी के कंपैरिजन में, शीप का भी, शीप का एक बार देख लीजिएगा, पता होना चाहिए आपको, ठीक है, शीप गोट का, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट से। फीडिंग ऑफ हाई यील्डिंग एनिमल एंड रोल ऑफ बायपास न्यूट्रिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आया हुआ है ये भी, और ये भी आया हुआ है, ये तीन टॉपिक तो आए हुए हैं, 5, 6 एंड 7, ये तीनों टॉपिक पेपर के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। फिर आता है अप्लाइड नॉन रुमिनेंट न्यूट्रिशन, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है पोल्ट्री का, ठीक है, और स्वाइन का भी इंपॉर्टेंट है। इक्वाइन्स में हमारा स्टैलियन का मैंने देखा आया हुआ है, ठीक है। एंड फीडिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन रुमिनेंट पोल्ट्री, फॉर्मुलेशन ऑफ राशन फीडिंग ऑफ स्वाइन, स्वाइन के अंदर भी हमारा ना पिगलेट का बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसा भी था जिसके अंदर हमारा सारे ही डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ जो अभी हमने देखा था वो पूछे गए थे, बट मेनली आपको पिगलेट्स का पता होना चाहिए, राइट। इक्वाइन्स के अंदर आपको स्टैलियन का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और रेसिंग हॉर्सेस का भी पता होना चाहिए। इसके अलावा फीडिंग ऑफ पोल्ट्री, इसमें आपको ब्रॉयलर एंड लेयर, ये दोनों तो पता होने चाहिए, बाकी आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है फीडिंग ऑफ डक्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ रैट माइस, इनका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। डाइट फॉर्मुलेशन प्रिपरेशन ऑफ फीडिंग रैबिट, रैबिट का एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा इसमें पिक्यूलैरिटीज होती हैं वो देख लीजिएगा। इसके अलावा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ डॉग्स एंड कैट्स, ये इंपॉर्टेंट है, एंड पिक्यूलैरिटी ऑफ फीडिंग ऑफ कैट्स, ये आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर के अंदर, पिक्यूलैरिटीज ऑफ फीडिंग ऑफ कैट्स, तो ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिटर्जेंट मेथड, तो यहां तक आपका ये कंप्लीट होता है। एंड एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर इतनी ही चीजें हैं जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट हैं, और इसके अलावा मैं और सब्जेक्ट्स पर वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक देम प्लीज प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू बेस्ट स्टडी।